हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आज हम बनाएंगे दुपट्टे के लिए झालर वाली लेस। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी सिल्क थ्रेड और 90.85 mm की नीडल। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी, तो आज हम सीखते हैं झालर वाली लेस। शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाह। पहले हम नॉट बना लिए हैं, अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन को थोड़ा लूज़ बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पहले पूरा बना लेंगे एक बार। एक चैन सिंगल क्रोशिया, आप वीडियो को पूरा देखें, डिज़ाइन आपको समझ आ जाएगी तो आप आसानी से बना सकेंगे। इस तरह से पूरा एक बार बना लिए हैं। अब वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरी बार शुरू करेंगे। सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे अटैच किया और दो चैन बनाएंगे। अब मोती लगा लेते हैं एक। एक चैन डबल क्रोशिया यहाँ पे, इसको खींच के बड़ा कर लेना है। फिर मोती एक लगाएंगे। एक चैन डबल क्रोशिया, एक चैन डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इस तरह से इसको पूरा बनाते जाएंगे। एक चैन हर गैप में डबल क्रोशिया, एक एक बार इस तरह से पूरा बना लेना है।
इसको पूरा बनाने के बाद हम वापस यहीं पे आ गए हैं जहाँ से शुरू किए थे। इस बार हम लोग बड़े बड़े मोती यूज़ करेंगे, उसको मैं पहले से धागे में डाल दी हूँ। तीन चेन बनाएंगे। पहले एक बार छोटा मोती लगा लेते हैं। सिंगल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, अब 15 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3 15 चेन बन गया। अब नीडल को ऐसे मोती में डाल के धागा को ऐसे फंसा के ऐसे खींचना है। ये यहाँ पे आ गया। यहाँ छोटा मोती लगा लेते हैं। एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, वापस से 15 चेन बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से छोटा मोती, एक चैन, डबल क्रोशिया,
अगर आप इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 15 चेन बनाए हैं, उसकी जगह आप 20 चेन बनाएं तो उससे झालर की लेंथ बढ़ जाएगी। और कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करें, या कोई डिज़ाइन सीखना है तो ज़रूर कमेंट करें। आपकी फरमाइश को पूरा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1, 2, 3 आपको डिज़ाइन कैसी लगे आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।